राज्य में वर्ष 2005 से बड़े ही पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। विद्यालयों में एक और जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति व अन्य कई योजनाएं लागू की गई, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके लिए 2768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन का एवं 3530 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7530 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2,20,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की और बहाली की गई है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सिजल आपके साथ। बिहार में जो आज फ्लोर टेस्ट होना था, फ्लोर टेस्ट होने से पहले बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने जो जो नियम बिहार में लागू किए गए, साथ ही साथ जो भी नियम बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लाए गए हैं, किस तरह से बिहार में बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो साइकिल योजना या फिर अन्य योजनाएं लाई गई है उस पर चर्चा की है, साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को जो राजकर्मी बनाने की घोषणा की गई है उस पर भी चर्चा करते नजर आए हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के राज्यपाल। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर जोर दिया गया है। विद्यालयों में एक और जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति व अन्य कई योजनाएं लागू की गई, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। इसी का परिणाम है कि अब मैट्रिक के लड़कियों की संख्या लड़कों के लगभग बराबर पहुंच गई है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके लिए 2768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन का एवं 3530 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7530 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई है, जिस पर तेजी से काम जारी है। बालिका शिक्षा हेतु किए गए इन प्रयासों के कारण बिहार में प्रजनन दर जो वर्ष 2005 में 4.3 थी वह अब घटकर 2.9 रह गया है। राज्य में वर्ष 2005 से बड़े ही पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2005 से जून 2002 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2,20,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की और बहाली की गई है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। साथ ही लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 और 7 से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। 2006 और 7 में प्रशिक्षित शिक्षकों को 5,000 रुपये तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को 4,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। इनके वेतन में समय समय पर काफी वृद्धि हो गई है और वर्तमान में लगभग 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है।
सरकार द्वारा इन नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए एक अलग से परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उन्हें 3 बार भाग लेने का मौका मिलेगा तथा पास होने पर वे सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। इस परीक्षा का आयोजन प्रक्रियाधीन है। जैसा कि आपने सुना, किस तरह से बिहार के राज्यपाल बताते नजर आ रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से छात्राओं को लिए विशेष सुविधा का दिया गया है, साथ ही साथ किस तरह से विशेष सुविधाओं के बाद छात्राओं की संख्या भी छात्रों के बराबर हो चुकी है बिहार में स्कूलों में, साथ ही साथ किस तरह से बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए अब बीपीएससी परीक्षा ली जा रही है और किस तरह से नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने सुना किस तरह से फ्लोर टेस्ट से पहले राज्यपाल बिहार में सभी नियमों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।